वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। आजकल शहर में काफी ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में यातायात पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यातायात व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी ने जब एक युवक को गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा तो विवाद वह करने लगे और विवाद इतना बढ़ गया जिसके चलते ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई हो गई। बुरखा वाली महिला ने एक एक करके ट्रैफिक पुलिस को थप्पड़ मार दिया, मानो मैडम ने अल्लाह की कसम खा रखी थी कि आज तो पुलिस वालों को वो तोड़ कर रख देंगी। लेकिन ये जनाब ये भूल गई थी कि अब तो ये खूब थप्पड़ बजा रही हैं, लेकिन आगे क्या इनका होगा ये सपने में भी नहीं सोच सकती। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि युवक की पत्नी पुलिसकर्मी के साथ यहां पर हाथापाई कर रही है। पुलिसकर्मी साइड में हो गया है लेकिन उसके बाद भी ये जनाब उस पर लगातार थप्पड़ बरसा रही हैं। इस समय वो ट्रैफिक पुलिस से रंजित यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। मामले में विजयनगर थाने में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया और घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से महिला एक एक करके थप्पड़ रसीद रही है, मानो ट्रैफिक पुलिस वाले से कोई इनकी जाति दुश्मनी हो। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नहीं, आपको बता दें यातायात पुलिस की हेल्पलाइन पर वीडियो भेजकर वाहन चालक की शिकायत भी की है, जिसके बाद इनको थाने लेकर गए और वहां पर महिला और जिसके साथ ये बैठी हुई थी वो आदमी भी दोनों माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज।